नमस्कार दोस्तों, गौरव द्वी वीडियो में आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कोडा कोशाक के बारे में, और आज इस वीडियो में जानेंगे स्कोडा कोशाक के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और सब कुछ आज इस वीडियो में गौर करने वाले हैं। तो जो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब बात करें इसके वेरियंट्स की, तो इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं जो कि है एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। और हमारे सामने खड़ी है स्टाइल वेरियंट जो कि टॉप मॉडल है। और सबसे पहले बात करें इसकी की, तो कुछ इस तरह की आपके यहाँ फ्लिप की मिलती है जो कि रिमोट के साथ भी है, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और यहाँ आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा। और ये आप यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो ये चाबी आपको ऐसे दिख जाएगी। तब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है जो कि LED है। और यहाँ आपको कुछ इस तरह की आपको डायल मिलती है जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ आपको अंदर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ठीक नीचे आपको यहाँ पर हेलोजन में फॉग लाइट्स देखने मिल जाते हैं। अब आते हैं उसके नीचे, तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ ऐसे देखने मिल जाता है और यहाँ आपको इतना कवर देखने मिलता है। अब बात करें इसके ग्रिल की, इतनी बड़ी यहाँ आपको ग्रिल देखने मिलती है जो कि जिसका एक एरिया कवर है क्रोम से और बाकी कुछ ऐसी डिज़ाइन आपको बीच में दी गई है। नीचे यहाँ आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी है और उसी के ठीक नीचे आपको कुछ इस तरह की ग्रिल मिल जाती है। और जो आपको स्क्रीन प्लेट मिलती है वो सिल्वर कलर में मिलती है। अब जो आपको बम्पर है ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में अवेलेबल है, यानी कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर मान के चलो नीचे से थोड़ी बहुत कहीं से गाड़ी टकरा गई या कहीं से स्क्रैच वगैरह आ गया है तो जो बम्पर में ब्लैक कलर है उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई दूसरा कलर होता तो वो जल्दी शाइन करता। ठीक ऐसे ही आपको यहाँ राइट प्रोफाइल में ऐसे देखने मिलता है। तो चलते हैं हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, तो कुछ ऐसा लुक आता है साइड से। अब बात करें इसके टायर्स की, तो यहाँ आपको 205/55 R17 यानी कि यहाँ आपको 17 इंचेस के डायमंड का टायर व्हील्स देखने मिल जाते हैं एक्टिव वेरियंट पर। और जो ब्रेक है वो आपको यहाँ डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है। और बात करें फेंडर पर, तो फेंडर पे यहाँ आपको स्कोडा की बैचिंग मिल जाती है वो भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर। और जो स्कोडा की बैचिंग है वो आपको क्रोम से मिलेगी और साइड साइड में यहाँ आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने मिल जाएगी। अब बात करें इसके ORVMs की, तो यहाँ आपको ऑटो फोल्डेबल अनफोल्डेबल ORVMs देखने मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ। नीचे आपको यहाँ पर कोई भी पटल लैम्प देखने नहीं मिलता है। अब चलते हैं और साइड में, तो कुछ इस तरह का लुक आता है। और ऊपर यहाँ आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो कि सिल्वर फिनिश के साथ हैं और यहीं ऊपर आपको सनरूफ मिल जाती है। और यहाँ पर आपको डोर्स पर क्रोम की गार्निश मिल जाती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाके ख़त्म होती है। अब बात करें दरवाज़ों की, तो यहाँ पर आपको जो दरवाज़ों के हैंडल्स हैं उनमें बीच बीच में क्रोम देखने मिल जाता है और इसका यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिल जाता है जिसको आप यहाँ दबाएंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अब चलते हैं और पीछे, तो यहाँ आपको फ्यूल टैंक ओपनर मिल जाता है जिसको आप इसे दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। आपको जिसकी कैपेसिटी है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगी कि आपको यहाँ कितनी कैपेसिटी मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के और पीछे, तो कुछ इस तरीके का पीछे से लुक आता है जो कि पीछे देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब बात करें तो यहाँ आपको रियर स्पॉइलर मिल जाता है जिसमें यहाँ आपको ब्रेक लाइट देखने मिल जाती है और यहीं रियर विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर मिल जाता है विद रियर वाइपर के साथ। और पीछे यहाँ आपको स्कोडा की बैचिंग देखने मिल जाती है और यहीं नीचे आपको जो नंबर प्लेट पर लाइट्स मिलती है वो आपको यहाँ मिल जाती है और यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने मिल जाता है। और पीछे कुछ बात करें तो यहाँ आपको क्रोम से ऐसी क्रोम लाइनिंग ऐसी मिल जाती है, कोशाक की बैचिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। और कुछ आपको इस तरीके के टेल लाइन्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ आपको ये पार्किंग लाइट मिल जाएगी, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको इंडिकेटर देखने मिल जाता है और राइट साइड में आपको रिवर्स पार्किंग बल्ब मिल जाता है और बीच में आपको जो लाइनिंग मिलती है वो क्रोम की मिल जाती है। और ठीक नीचे यहाँ आपको इसके रिफ्लेक्टर देखने मिल जाते हैं। अब बात करें इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर की, यहाँ आपको सिर्फ केवल 3 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1, 2, 3। और अच्छे से बात की जाए तो यहाँ आपको नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि सिल्वर फिनिश के साथ है। और बात की जाए इसकी बूट स्पेस की,
अब यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ आपको हैंडल दिया गया है, यहाँ आप इसको ऐसे दबाएंगे तो आपका जो अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। बात की जाए इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ आपको लगभग 385 लीटर्स का बूट स्पेस देखने मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर 3 kg लोड कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ भी आप कुछ टांग सकते हैं, यहाँ आपको ट्रायंगल रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, और ठीक राइट में आपको इस बैग में आपको टूल किट मिल जाती है ताकि आप अपने जैकेट चढ़ा सकें और आप इसका पंचर ठीक कर मतलब टायर चेंज कर सकें। यहाँ पर आपको फर्स्ट एड की मिल जाती है साथ में, यहाँ पर आपको बूट लैंप देखने मिल जाता है। बात की जाए इसके स्पेयर व्हील की, तो यहाँ आपको 17 inch का स्टील रिम देखने मिल जाता है और अलॉयस में नहीं आता है स्पेयर व्हील में, जैसे आजकल कोई भी कंपनी से स्पेयर व्हील में अलॉय नहीं देती है। और बात की जाए तो यहाँ पर आपको पार्सल ट्री भी ऑफर की जाती है जो कि बहुत ही बड़ी है, आप इसमें अच्छा सामान रख सकते हैं। और यहाँ आपको नीडल्स भी दी जाती हैं जिससे आप अपनी पार्सल ट्री को ऐसे टांग सके जब भी आपकी गाड़ी ऊपर उठे, यानी आपकी गाड़ी का टेल गेट ऊपर उठे तो ये पार्सल ट्रे ऑटोमेटिकली ही ऊपर चली जाए, यानी कि जैसे ये नीचे आ रही है साथ में टेल गेट को नीचे करने के साथ, वैसे ही जैसे ऊपर जाती जा रही है। यहाँ आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने मिल जाता है। तो अब और देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो ठीक आपको ऐसे ही देखने मिलता है। इस गाड़ी में आपको लेफ्ट साइड यानी कि पैसेंजर साइड में भी आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर चलने से पहले बात करें इसके डोर्स की, तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके का डोर्स मिल जाता है जिसकी पैनल की जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है, यानी कि मतलब हार्ड प्लास्टिक है, आपको गाड़ी की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, मतलब ये प्राइस वाइज हिसाब से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अब बात करें तो यहाँ पर आपको डोर्स पर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और आपको जो डोर ओपनर मिलता है वो आपको क्रोम में मिल जाता है। अब बात करें तो यहाँ नीचे आपको स्पीकर देखने मिल जाते हैं, नीचे आपको 1 liter बॉटल होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है, और ठीक यहाँ पर आपको कुछ अलग से स्टोरेज मिल जाती है, और यहाँ आप ऐसे कुछ ऐसे करके फंसा सकते हैं। यहाँ साइड में आपको कुछ और स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान सीरियसली छुपा के रख सकते हैं। वैसे ये डुअल टोन में आता है दरवाज़ा, यहाँ आपका हैंडल है जिससे आप अपनी गाड़ी के दरवाजे को यहाँ से पकड़ के लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, चलने से पहले आपको यहाँ ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टेबल सीट देखने मिल जाती है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर अच्छे से। अब बात करें तो अंदर आपको कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है इस गाड़ी में बैठने में। आपको यहाँ 2-spoke स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक दे रही है गाड़ी, मतलब यूनिक बना रही है गाड़ी को। यहाँ पर आपको बीच में स्कोडा का लोगो मिल जाता है। अब बात करें तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ MID देखने मिल जाती है जिसमें आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिल जाता है जो कि 8000 तक मार्किंग में है, और राइट साइड में आपको यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसकी हाई टॉप स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, और उसी के नीचे आपको यहाँ फ्यूल गेज देखने मिल जाता है। बात करें तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आता है। अब स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ क्रोम स्क्रोलर देखने मिल जाता है जिससे आप गाड़ी की वॉल्यूम को तेज़ और कम कर सकते हैं लेफ्ट, और यहाँ पर आप अपने गाने को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन यहाँ मिल जाएगी। अब बात करें राइट साइड में तो राइट साइड में यहाँ आपको MID कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं जो कि यहाँ से कंट्रोल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं MID में आपको ड्राइविंग डेटा मिल जाती है, यहाँ इकोनॉमी मोड पे ऑडियो टेलीफोन व्हीकल स्टेटस की बात करें तो गाड़ी के फ्यूल की ज़रूरत है, ऑडियो की बात करें ऑडियो में भी FM चल रहा है, और ड्राइविंग डेटा की बात करें तो यहाँ अभी कुछ नहीं बता रहा है। कुछ इतने ही फीचर्स आपको यहाँ गाड़ी में देखने मिल जाते हैं जिसमें आपको यहाँ ओडोमीटर की रेटिंग मिल जाती है, अभी 22 किलोमीटर चली है गाड़ी, और यहाँ आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है। अब बीच में बात करें तो यहाँ आपको
हैंड ब्रेक का लोगो देखने मिल जाता है नीचे। और यहाँ आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे लोगो देखने मिल जाते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बताते हैं गाड़ी की। अब बात करें यहाँ तो स्टीरियो की, यहाँ पर आपको 17.6 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल जाता है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया है। आप यहाँ अपनी गाड़ी का ड्राइविंग डेटा देख सकते हैं और यहाँ पर आपको स्कोडा की कनेक्टिविटी भी देखने मिल जाती है। आपको स्कोडा को शाक की स्पीकर क्वालिटी चेक करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मेंशन हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक ही मिल जाएगी। अब आते हैं ठीक इसके नीचे, तो यहाँ आपको एसी वेंट देखने मिल जाते हैं और इसकी जो फिनिशिंग है वो क्रोम के साथ है और यहाँ आपको बीच में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ फिनिशिंग भी देखने मिल जाती है। अब बात करें नीचे तो यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं जिसका स्विच यहाँ पर है। यहाँ आपको हैजर्ड लैम्प देखने मिल जाता है, यहाँ आपको लॉक की बटन देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक और वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब बात करें तो यहाँ आपको नीचे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिल जाता है। आप इसकी फ़ैन की स्पीड यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और आप अपने सर्कुलेशन मोड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बीच में आपको यहाँ अपनी एसी की टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन ही मिल जाएगी। अब बात करें तो यहाँ नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और ठीक यहीं पर आपको दो USB टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। और बात करें यहाँ तो यहाँ आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने मिल जाता है। और बात करें यहाँ तो गियर, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन इस गाड़ी में मिल जाते हैं, चाहे कोई भी इंजन ऑप्शन हो आपको दोनों इंजन ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल मिल जाएंगे। अब बात करें तो यहाँ आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। और बात करें तो यहाँ आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं और ठीक लेफ्ट साइड में यहाँ आपको अपने हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने मिल जाते हैं और यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने भी मिल जाता है। अब बात करें डैशबोर्ड की तो यहाँ आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है जो कि नीचे वाइट कलर है और ऊपर ब्लैक कलर है। अब यहाँ आपको कुछ इतना बड़ा डैशबोर्ड देखने मिल जाता है, बीच में आपको यहाँ क्रोम की लाइनिंग भी मिल जाती है और कुछ इस तरह की आपको डिज़ाइन देखने मिल जाती है। बात करें तो यहाँ आपको बीच बीच में ब्लैक फिनिशिंग, पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी मिल जाती है। अब लेफ्ट साइड की एसी वेंट की बात करें तो वो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, जितनी तारीफ करो इस गाड़ी की वो बहुत ही कम है। अब बात करें ऊपर आते हैं तो ऊपर यहाँ आपको सनवाइज़र देखने मिल जाता है जो कि कितना ओपन हो जाता है, जो कि सफिशियंट है। यहाँ आपको ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल्स देखने मिल जाते हैं। अब बात करें तो यहाँ आपको सनरूफ की बटन देखने मिल जाएगी, आप यहाँ दबाएंगे तो ये सनरूफ ओपन होती जा रही है, आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं इस बटन से। आप यहाँ आपको जो इंटीरियर में लैंप मिलते हैं, लाइट मिलते हैं, वो आपको यहाँ LEDs मिलती है जिसको आप यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं, यानी कि आपको लेफ्ट साइड चलाएं तो आप इसके जो स्विच दिए हैं अलग अलग दिए हैं, यानी कि यहाँ से आप इसको राइट साइड भी जला सकते हैं, यहाँ से ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों। और यहाँ आप अगर डोर को ऑफ करके रखेंगे तो आपको जो डोर लाइट है वो बंद हो जाएगी। अब बात करें लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ भी सनवाइज़र देखने मिल जाता है जिसमें आपको कोई वेंटेड लैंप नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको वेंटेड मिरर दिया गया है। सनरूफ की बात करें तो यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है, नॉर्मल सनरूफ ही मिलती है। और लेफ्ट साइड में बात करें तो लेफ्ट साइड में SCMS आपको जैसी गाड़ी में राइट साइड का वो देखने मिला है वैसे ही मिलेगा। अब आते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स यहाँ आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने मिल जाता है और इसका जो स्टोरेज है काफ़ी बढ़िया स्टोरेज है, यानी कि डीप स्टोरेज है इसमें आपको। अब नीचे बात करें तो यहाँ आपको डेड पेडल्स भी देखने मिल जाते हैं, यानी कि एक एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये क्लच और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको डेड पेडल, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आपको यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ देखने मिल जाती है। बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग आपको यहाँ टिल्टेड और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस गाड़ी में। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और पीछे जाने से पहले आपको एक बार गाड़ी का नज़ारा अच्छे से दिखाता हूँ। और पीछे चलने से पहले मैं अपनी ड्राइवर सीट है जो उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है, अब चलते हैं गाड़ी के पीछे।
तो अब चलते हैं पीछे। तो पीछे आपको कुछ इतनी स्पेस देखने मिल जाती है रियर साइड में, और जो रियर सीट है उसमें आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल जाती है। ये गाड़ी मेरे को पसंद आती जा रही, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इस गाड़ी में बात है। और इस गाड़ी में आपको स्पेस बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। आप देख सकते हैं कम से कम इतना गैप, यानी कि इतना गैप आपको और मिल जाएगा। मेरी हाइट वैसे 6 फीट है, तो और 6 फीट हाइट का अकॉर्डिंग जो इसकी रियर सीट का स्पेस है वो बहुत ही बढ़िया है। बात करें दरवाज़ों की, तो यहाँ आपको बहुत ही मतलब हैवी दरवाज़ा मिलता है, माने कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आपको रियर डोर में भी डोर ओपनर है जो, वो आपको क्रोम में मिल जाएगा, और जो दरवाजे हैं आपको डुअल टोन मिल जाते हैं। यहाँ आपको सॉफ्ट टच लेदर मिल जाता है। यहाँ आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ठीक नीचे यहाँ आपको बॉटल होल्डर और कुछ स्टोरेज की जगह मिल जाती है। अब बात करें इसके हेडरूम की, तो आपको हेडरूम यहाँ मतलब पीछे के मुताबिक, यहाँ आपको पीछे जो हेडरूम मिलता है ना वो सफिशेंट है, यानी कि गाड़ी में पीछे बैठने वालों को कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब थोड़ा सा यहाँ इतना उठाया गया है ताकि जो पीछे हेडरूम है वो बहुत ही बढ़िया बन पाए। अब बात करें तो यहाँ आपको जो सीट्स मिलती है लेदर फिनिश के साथ सीट्स मिलती है, और मेरे ख्याल से इसमें आफ्टर मार्केट यानी कि बाहर से सीट कवर चढ़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो कुशन्स हैं सीट्स कवर हैं वो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ आपको पर आपको रियर एसी वैन भी मिल जाते हैं, और ठीक नीचे यहाँ आपको USB टाइप सी के स्लॉट भी देखने मिल जाता है। अब बात करें तो यहाँ आपको कर्टेन एयरबैग भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में। अब और पीछे आए तो यहाँ आपको आर्मरेस्ट देखने मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स के साथ, और यहाँ आपको जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, और बीच में जो हेडरेस्ट है वो भी आपको इस गाड़ी में एडजस्टेबल मिल जाता है। और बात करें तो यहाँ आपको आइसोफिक्स सीट भी मिल जाती है, यहाँ आप अपने बच्चों के लिए सीट फंसा सकते हैं। और बात करें तो यहाँ भी आपको लैंप्स देखने मिल जाते हैं। गाड़ी की बैटरी अभी लो है इस वजह से ये लैंप जल नहीं रहे हैं। और बात करें तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड मतलब चारों ही गेट में आपको यहाँ ग्रैब हैंडल्स देखने मिल जाते हैं, और इसकी जो सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, नॉर्मल ही मिलेगी। यहाँ आपको पीछे भी सीटें मिल जाती है, और पीछे सीट की बात करें तो ये 60-40 के रेशियो में सीट ऐसे फोल्ड भी हो जाती हैं। अब जैसे ये सीट है तो ये 60 हो गई और ये 40 हो गई, तो यहाँ से आप इसको खोल के अपने बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीकर देखने मिल जाते हैं इस गाड़ी में। चलते हैं गाड़ी के इंजन की और बात करते हैं। चलते हैं तो यहाँ से आप अपने बूट को ओपन यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। गाड़ी में ना अलग ही सिस्टम दिया है, यहाँ आपको नीचे एक नॉब दिया होगा उससे ही आप इस गाड़ी को खोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही भारी बोनट है इसका, इसको यहाँ से लगाने के लिए ये डंडी दी गई है। वैसे बात करें तो अब बात करते हैं, इसमें आपको 2 इंजन्स मिल जाते हैं। आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1 लीटर और 1.5 लीटर देखने मिल जाता है, और इसकी जो पावर कॉन्फ़िगरेशन है आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। बात करें इसके इंजन की प्लेसमेंट की, तो आपको कुछ इस तरह का आपको इंजन प्लेसमेंट देखने मिल जाता है जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसमें आपको कोई कमी नहीं रहेगी। और बात करें तो यहाँ जो 1 लीटर है वो 3 सिलेंडर के साथ आता है, और 1.5 लीटर है वो 4 सिलेंडर के साथ आता है। यहाँ पर आपको बोनट में कोई भी इंसुलेशन नहीं दी जाएगी। हाँ, इसकी बोनट की बात अलग है कि आप जब इसको बोनट को ओपन करते हैं ना तो यहाँ से ये दबाना पड़ता है, तब जाके यहाँ से ये अनलॉक होगा। मतलब अलग ही सिस्टम है इस गाड़ी का, और ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया है। और इसका जो बोनट है वो बहुत ही भारी है, कि एक हाथ से खोलना लगाना बहुत ही मेहनत का काम है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब आपको एक बार इंजन की नॉइस सुनाता हूँ इस गाड़ी की।
ठीक है, यानी कि बहुत ही पावरफुल इंजन है इसका। गाड़ी के केबिन के अंदर तो नॉइस ज़्यादा है नहीं, क्योंकि शोरूम में थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, गाड़ी की ज़्यादा आवाज़ आती है। गाड़ी की आवाज़ इंजन नॉइस आप सुन सकते हैं पेट्रोल में, यानी कि बहुत ही कम आवाज़ है। शोरूम के अंदर आवाज़ गाड़ी की थोड़ी गूंज रही है, मेरी आवाज़ भी गूंज रही है वैसे। आप कैबिन के अंदर भी आप देख सकते हैं, कैबिन के अंदर आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप स्टीयरिंग देख सकते हैं, इसमें आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, गियर में भी आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलती है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आपको जो इसकी प्राइस है स्कोडा कोशाक की, वो आपको स्क्रीन पर देखने मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।